और क्या वजूहत ने भी दसने क्यों स्टॉप किए भी दसा। हजरत अली अलैहिस्सलाम दा फरमान है जिन्हें उत्ते एहसान करो उन्हें शर को बचो, और जिन्हें उत्ते एहसान करने पे औखे वेले साथ रहने पे वो ही जिस टाइम को मौका मिलता है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने इवें सारे नाल चलता खड़े मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल दोस्तों, ठीक ठाक हो खैरियत नाल हो, शाह जलवानी दा सलाम कबूल थे, उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक हो सन खैरियत नाल हो सन। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने का मौका मिलता पे और मसरूफियात रह गए जिन्हें वजह से मैं दोबारा नहीं आ सकिया, और काफ़ी दिनों के बाद दोबारा यूट्यूब पर आने का मौका मिले और दोस्तों नाल भी गपशप कर गिनू मैं के, और दोस्तों का हाल विला भी पूछ गिन और क्या वजूहत ने भी दस ने क्यों स्टॉप किए और क्यों स्टार्ट करना पे भी वजह दसे सा अद्धे व्लॉग में, और देहात की खूबसूरती भी तुम्हें दिखे स नवी करो नवी चीज भी लिखे सा और इलाके के हालात वाकयात के मुताबिक भी तुम्हें दसेना राय सा। और बई चीज ये भी दसा हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है जिन्हें उत्ते एहसान करो उन्हें शर को बचो, और जिन्हें उत्ते एहसान करने पे औखे वेले साथ रहने पे वो ही जिस टाइम को मौका मिलता है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने इवें सारे नाल चलता खड़े मामला। जिन्हें उत्ते एहसान करने रह गए हैं वो लोग ही हूँ नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह से हिफाजत करे सी और अल्लाह से उन्हें उन्हें नाबूद करे सी, आमीन। और तो अगू लिखे ना ये दोस्तों अंब लाए हुए ना सा माशाल्लाह, ये देखो खूबसूरती बई चीज मैं दसा वन हमसाया चंगा हो ना कल बहुत अच्छी गाल होती है। वे लोग जिन्हें तो एहसान करने रह गए ना ये हूँ ही हद तक आ गए अंबलियाँ चोरी पट के अपने बालें घुमें देते खमें दिन मैं, वाह क्या ही बात है, चोरी पट के बालें को खमें दिन और बालें को और बाकी रिश्तेदारें को देते क्या ही बात है। ए अलमिया वे दोस्तों अगर बंदा मांगी ने चीज़ मेरे ख्याल बेहतर नहीं। दोस्तों बई गाल ही दसा मेरी वीडियोज़ जितना भी हो सन विलाग मेरे जितना भी हो सन उन्हें बिच देहात की खूबसूरती इंशाल्लाह लाजमी होंगी रहा सी और नवी को नवी चीज़ तो दिखेंदे रहा सूँ, खूबसूरत विलेज ब्यूटी ऑफ नेचर भी तो दिखेंदे रहा सूँ। तिलकाश दिखेना पा देखो माशाल्लाह कि में और खूबसूरती भी देख सो माशाल्लाह। बिया दोस्तों ये तिल काश किए हुए ना अपने रकबे ते ये माशाल्लाह देखो तिल दी फसल तो अगर मैं नाल कुलो दिखेना तिल किवें हैं दसना जरूर है भाई। मूंगफली भी ही देखो दोस्तों और तिल दी कंडीशन क्या है किवें है ये देखो दोस्तों ये और बई स्प्रे भी करने हैं ताकि फल फुल ज़्यादा लगे और जो दोस्त देते बैठन मशुरा जरूर देसन कि इन्हें उत्ते किरी स्प्रे मारनी चाहिए ताकि फल फुल ज़्यादा लगे। ये दोस्तों देखे किवें सीन है माशाल्लाह, मेकू तो खूबसूरत लगता पिए तुहाकू किवें लगते कमेंट्स में जरूर दसाए देहाती खूबसूरती जरूर तो दिखेंदे रहा सो इंशाल्लाह। दोस्तों सारे पास खजे गुआली दे रहे 17-18 आहड़ दी है सावन आवन आला है तो उन्हें बाद ही खजा थे सन और कुछ खजा मतलब सखर वाले वो तो पिंड थीना पन और बाकी जड़े हाल ही उन्हें गुंजरा दे रहे दोस्तों। ये वे देहात का माहौल विले लाइफ जो आदन ये दरख्त पीपल का पुराने जिम्मे दरख्त होने तले ये पीपल का दरख्त माल बदे खड़े माशाल्लाह देहात की खूबसूरती और उत्ते बैठी है माखी। कुछ लोग हैं माखी को पट्टे मार वेंदन बली ये इन्हें बेजुबान जानवर को पट्टे बहरहाल अल्लाह से हिसाब जरूर गिन सी ये माखी बैठी है और भी माखी ये बैठी है माशाल्लाह तले माल बदा खड़े और बई जड़ी खूबसूरती वो भी तो मैं दिखे ना
ਦੱਸੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ, ਪਰਦੇਸੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਹਿਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸੀ ਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲ੍ਹਾ ਅਲੈਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕੋ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਗਿਦੀ ਉੱਲ੍ਹਾ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲ੍ਹਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲ੍ਹਾ ਅਲੈਹ ਦੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲ੍ਹਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਖੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਪਿਓ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲ੍ਹਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਲੀ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਾਤਿਹਾ ਖਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ।